भारत के हिमालय राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 150 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक गांव जिसका नाम है कहली नारा। यह गांव पौड़ी गढ़वाल जिले के ब्लॉक द्वारीखाल में पड़ता है। कुछ कच्ची पक्की राज्य मार्ग की सड़कें, एक छोटा सा झूला पुल और कुछ कच्ची पगडंडियों को पार करते हुए आप इस गांव में पहुंचते हैं। सबसे पहली बात जो आप इस गांव में आके नोटिस करते हैं वो है यहाँ का घुप सन्नाटा, एक अजीब सी शांति। गांव पे पसरा ये घुप सन्नाटा पलायन की कहानी को चीख चीख कर बयां कर रहा है। पचास परिवार से ज़्यादा वाले इस गांव में कभी बहुत चहल पहल हुआ करती थी और ये अपने सपाट खेतों के लिए और पशुधन के लिए बहुत फेमस था। पर आज आप देखेंगे कि पूरे उत्तराखंड की भांति ये गांव भी पलायन की मार झेल रहा है और बस अब गिने चुने मुट्ठी भर लोग ही गांव में रह चुके हैं। खेत जो कभी आबाद थे और जिनके लिए आए दिन लड़ाई और झगड़े हुआ करते थे आज बंजर पड़े हैं। जानवरों के खूंटे आज सूने पड़े हैं और मकान ढह चुके हैं लेकिन उनमें ताले अभी भी लटक रहे हैं। हाँ, बस उनके बीच से कुछ पेड़ और पौधे उग आए हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये गांव अब सड़क से जुड़ चुका है। बिजली के पोल भी हैं और उनमें बिजली भी आती है। लोगों ने शौचालय भी बना लिए हैं लेकिन अपने अच्छे भविष्य के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए सभी लोग पलायन कर चुके हैं। गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक नदी बहती है जिसका कि नाम है हिवल। ये बारामासी नदी गंगा की एक सहायक नदी भी है। इस हिवल नदी का उद्गम यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेलुसैंड नामक एक जगह से होता है। ये एक उत्तरायणी नदी है यानी यह उत्तर दिशा की ओर बहती है। प्राचीन समय में लोग इसी नदी के किनारे किनारे ऋषिकेश तक का पैदल सफ़र तय करते थे। कलकल करके बहता ये पानी ना जाने कितनी पीढ़ियों की प्यास बुझा चुका है। इसी हिवल नदी के तट पर स्थित है एक पंचक्की। पानी से चलने वाली इस चक्की को स्थानीय भाषा में लोग घट या घराट भी बोलते हैं। कई वर्षों पुराना यह घराट एक मूक साक्षी की तरह ना जाने कितनी पीढ़ियों को आते और जाते देख चुका होगा।
जल शक्ति से चलने वाले ये घराट प्राचीन काल के बहुत बड़े आविष्कार थे। ना कोई बिजली की खपत, ना डीजल, ना पेट्रोल, ना ही कोई लकड़ी का ईंधन, बस निरंतर बहता हुआ पानी और उसकी शक्ति से चलने वाली ये चक्की। आजकल के टाइम पे जहाँ लोग कोल ग्राइंडिंग के पीछे भाग रहे हैं, यह कोल ग्राइंडिंग की टेक्निक हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही ईजाद कर ली थी। पंचक्की से 1 किलोमीटर पहले एक चेक डैम बनाया जाता है, जहां से कि पंचक्की के लिए पानी को नदी से टैप कर लिया जाता है। बाद में टेक्नोलॉजी के आने के कारण इस पंचक्की के पैरेलल ही हाइड्रोलिक रैंप का निर्माण भी किया गया। हाइड्रोलिक रैंप पानी की शक्ति का उपयोग करके पानी को ही किसी ऊंचे स्थान पर पंप करने के काम आता है। नदी के निकटतम थोड़े ऊंचाई पर स्थित खेतों के लिए हाइड्रोलिक रैंप बहुत ही उपयोगी मशीनरी हैं। इस चक्की का कमरा मुश्किल से 6x6 फुट का होगा, जिसमें एक छोटा सा दरवाजा है और कोई खिड़की तक नहीं है। पूरे उत्तराखंड में घराट को एक पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ पर भगवान भैरव निवास करते हैं, ऐसी एक मान्यता है। एक छोटे से झाड़ू की मदद से सबसे पहले चक्की के आसपास के एरिया को साफ किया जाता है। इसके अंदर पे चक्की के 2 पार्ट होते हैं, नीचे वाला स्टैटिक जबकि ऊपर वाला रोटेशन पे रहता है, और इसके ऊपर एक टीन का बनाया हुआ फनल होता है जो कि अनाज को फीड करता है। आसपास की सफाई के बाद में आप जो भी अनाज पिसवाने के लिए लाए हैं उसको फनल में डालते हैं। यहाँ पर अनाज पिसवाने के लिए कोई भी कारीगर या कोई भी हेल्पिंग स्टाफ नहीं होता है, आपको स्वयं ही सारा काम करना पड़ता है। ड्रेन आउट वाला शटर जो कि पानी को नदी में भेज रहा था उसको बंद करते हैं और पंचक्की का इनपुट शटर ओपन कर देते हैं। ऐसा करने से चक्की के टरबाइन के ऊपर ढेर सारा पानी गिरने लगता है और टरबाइन मूव करना शुरू कर देता है। टरबाइन के रोटेशन करने के कारण उससे जुड़ा चक्की का ऊपर वाला पार्ट भी रोटेशन शुरू कर देता है और पिसाई शुरू हो जाती है। अगर आपने आधुनिक फ्लोर मिल्स देखी होंगी तो आपने वहाँ पे एक जलने की या गेहूं के भुनने की एक स्मेल फील करी होगी। इस घराट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कोल्ड ग्राइंडिंग करता है, जिससे ना तो अनाज जलता है और ना ही उसके टेस्ट में कोई बदलाव आता है। इस पंचक्की में आप सारे अनाज पीस सकते हैं, जैसे कि गेहूं, मंडुवा, जौ और मक्की। इतना ही नहीं, आप अपने हिसाब से आटे को मोटा या पतला कर सकते हैं। आटे को मोटा या पतला करने के लिए आप फनल से फीडिंग रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लकड़ी का एक पीस फनल के साथ में कनेक्ट रहता है, जो कि रोटेशन वाले ग्राइंडर के साथ में टकराने के कारण वाइब्रेट करता है,
इससे होता यह है कि मैनुअली वाइब्रेशन के कारण एक एक अनाज का बीज उस होल के अंदर पे गिरता जाता है और ग्राइंड होता जाता है। घाट द्वारा पीसे हुए अनाज में स्वाद तो बहुत आता है, लेकिन इसके लिए आपको उतना ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं और साथ साथ यह काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी है। 25 केजी गेहूँ पिसवाने में आपको 2 से 2.5 घंटा का समय लग जाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या घराट के साथ में यह है कि बरसात के मौसम में जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो पूरे चेक डैम बह जाते हैं और नहरें भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण से बरसात के महीनों में घराट का उपयोग नहीं हो पाता है। आज से कुछ समय पहले यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती थी और लोग अपनी बारी का वेट करते रहते थे, लेकिन आज यहाँ पे कुछ मुट्ठी भर लोग ही पिसाई के लिए आते हैं। इसका मुख्य कारण तो पलायन है और दूसरा मुख्य कारण है जंगली जानवरों के नुकसान के कारण सीमित क्षेत्र में खेती का होना। अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके और जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचा के लोगों के हाथ जितना भी लगता है लोग बड़े चाव से यहाँ पे पिसवाने के लिए लाते हैं। यह रागी है और जिसको कि स्थानीय भाषा में मंडवा कहा जाता है। पहले यह पूरे क्षेत्र में बहुतायत में उगाया जाता था, लेकिन अब लोग मुट्ठी भर रागी लाके यहाँ पे पिसवाते हैं। अनाज पिसवाने के बाद में शुल्क के तौर पे 2 कटोरे अनाज वहाँ पे रखे एक ड्रम में डाल दिया जाता है, जो कि घराट का कस्टोडियन अपने साथ में ले जाता है। जैसे जैसे कम तादाद में लोग अनाज पिसवाने के लिए घराट में आ रहे हैं, यहाँ पर मेंटेनेंस और पैसों का बहुत अभाव हो रहा है। पैकेज्ड फूड के इस मॉडर्न ज़माने में वैसे भी घराट अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं, और वह दिन दूर नहीं है कि जब घराट इतिहास के पन्नों में कहीं दब के रह जाएंगे। फिर भी चाहे ये घराट कुछ बोलें या ना बोलें, उत्तराखंड के बदलाव का ये एक मूक साक्षी जरूर रहेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संजय डबराल और मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड के एक पहलू को दिखाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल द हिमालयन डायरी को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मेरा ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप इस वीडियो को अपने उत्तराखंडी भाई बहनों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, छोटे बच्चों को दिखाएंगे और उन सभी लोगों को शेयर करेंगे जो लोग उत्तराखंड से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि तभी वो जान पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि हमारी विरासत, हमारा उत्तराखंड कितना महान था।